हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं हो चुकी हूँ रेडी और आज के दिन की शुरुआत हो गई है। रजनीश भी ऑफिस चले गए हैं, स्वाति भी ऑफिस गई और नकुस स्कूल गया है और इधर बच्चे बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैं अभी हो गई हूँ रेडी और मैं जा रही हूँ सैलॉन, क्योंकि मैं देखती हूँ थोड़ा बहुत काम। एक्चुअली रजनीश भी वहीं पे हैं, तो शायद किसी से कोई मीटिंग थी, तो फिर जा के आती हूँ सैलॉन और फिर मिलते हैं आपसे या तो सैलॉन में या फिर वापस आकर। और आज मैंने पहना है कुछ कुछ ऐसा सा आउटफिट। एक्चुअली ये मैंने जो पहना है ना, ये मैं लेके आई थी कल। तो मैं आ गई हूँ ऑफिस में और इधर जनाब जी ऑफिस में पहले ही ऑलरेडी विराजमान है। हेलो, तो आप हाल चाल पूछ सकते हो अपनी फैमिली से। वो बोल रहे हैं बहुत अच्छे हैं। तबीयत ठीक है आपकी? किसकी? आपकी? मेरी तो ठीक है। मैं व्यूअर्स की बोल रही हूँ जो अपने वीडियो देख रहे हैं। मैं बिल्कुल सदा सुखी रहे, सदा सुखी रहे। तो ये वाला जो रूम है ना, ये एक्चुअली हमारा वीआईपी कैबिन जो है वो है ना। और इसमें ये बेल वूल अभी बची पड़ी है, अभी लगाई क्यों नहीं है? मैं घर ले जाऊं? नहीं नहीं लगेगी घर पे, इतनी बड़ी बेल नहीं। मैं ले जा सकती हूँ इसको? वेरी गुड मॉर्निंग। ये दीपकल वहां गोल गप्पे रात खा रहा था। नहीं, मैं बर्गर खा रहा था। हाँ, इसको पकड़ा था वहां हमने। ये लग गया? क्या लग गया? जुगाड़। अच्छा, ये अपने घर वाले जैसे ही सेम ही है, यही तो घर पे लगा हुआ है। सही है। हाँ ठीक है, तो इसकी भी अंदर से एक बार अब क्लीनिंग करवा दो। बस ये यही मिल सकती है चीजें, और कहीं नहीं मिलेगी पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में नहीं मिल सकती। इसमें और क्या क्या है अभी? और सामान बचा है जो हमने किया था। अक्सर कह रहे हैं लगेगा, ये जहाँ बताएंगे वहाँ लगा देंगे। अभी वो छोटी छोटी टोकरियाँ से भी पड़ी है, वो उधर भी पड़ी है। ये खाली था। हाँ, इनमें कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें लाइट लगवाओ एक तो बोल के इनके अंदर, अच्छी लगेगी। मैं बोल रही हूँ ना, जो चीज मैंने बोल दी वो अच्छी लगेगी। कोशिश करते हैं, है ना भैया? खरड़ में खुली है अब, कुछ अच्छा लग रहा है इधर से देखने में। इधर इधर काफी भी बाकी है कुछ। भाई अभी हम खाना वाना खा के यहाँ पे आए थे जीजू के फ्रेंड की। ये एक रेस्टोरेंट है, क्या है? होटल विहान है, साथ में इनके ना रेस्टोरेंट है। और साथ में जो वो गुलाब जामुन की बात करी, इनके पास ना देसी घी की मिठाइयाँ होती हैं। ओके, तो भैया तो जरा बाहर एक्सप्लोर करके आऊं। तू करा, मैं बात आऊंगी। तो दीदी की तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है, तो दीदी तो जाएंगे नहीं। डोलू अंदर, डोलू अंदर, मैं आता हूँ ब्रो। तो यहाँ देख सकते हो इतना प्यारा सा यहाँ फाउंटेन चल रहा है। और इधर देखो, हम एक चीज आपको दिखाते हैं जो शायद आपने कहीं नहीं देखी होगी। ATM मिल्क, मतलब आप देख सकते हो यहाँ ATM की तरह अपना कार्ड डालो और जितना अमाउंट आपको दूध चाहिए, जो चाहिए, मतलब वो आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे ऐसे डोलू वोलू कुछ रखा जाता है। गोपी डायरी, भाई प्रॉपर मॉडर्न टेक्निक, पूरी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इन्होंने किया हुआ है। वाह, मतलब फास्ट फूड तो हम भाई कहीं नहीं छोड़ते, कहीं मजे चले गए। और वहाँ पे अंदर पैकिंग चल रही है, जीजू है, जीजू के फ्रेंड है उधर। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फ्रेश बटर क्रीम दही पनीर, मतलब ये भैया जो हैं सब कुछ होममेड, सब कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। घर पे भी इन्होंने सैंपल भेजे थे, तभी दीदी को वो गुलाब जामुन इतने पसंद आ गए थे हमारे। अभी यहाँ आप देख सकते हो दीदी बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं गुलाब जामुनों का। यार कितना सही है वो, मतलब नहीं मैं कितना सही है उधर, क्या है वही कार्ड डालो एने दूध पाओ। ATM मिल के ये तो चलती फिरती बहन है। चलती फिरती बहन है ना, बिल्कुल। चाहू बाहर नहीं आना, सो सॉरी, इधर देख रहा है। फिर जीजू क्या ले रहे हैं? जीजू उधर पैकिंग करवा रहे हैं, चीजें देख रहे थे। पापा किस दिन में आएंगे, क्योंकि इनका खाना जैसे कि भैया बताते हैं कि शुद्ध देसी घी अच्छा होता है, तो किसी दिन आगे खा के जाएंगे। बिल्कुल, और ये अच्छी चीज है वैसे, है ना। मेरे को तो बड़ी क्यूट सी लगी है, ATM मिल्क, नाम भी ATM मिल्क। रात को ये मतलब 24 आवर सर्विस है इनकी। हाँ जी, तो अगर किसी को जैसे पंचकुला में भी किसी को नीड होती रात को दूध नहीं मिलता, तो यहाँ से लेके आप जा सकते हो। एड्रेस आपको इसमें दिख ही जाएगा कहाँ मेंशन है ये।
अच्छा है वैसे ना, अच्छी चीज बनाई है इन्होंने, बिल्कुल सॉन्ग कॉम्पिटिशन। और दीदी एक अच्छा सा प्यारा सा गाना सुना रहे थे, सुनाना जरा ये, फिर अपने उसी फॉर्म में बैठ गए, ये फॉर्म नहीं छूटेगी भाई। यहाँ बैठी थी मिट्टी मिट्टी करती थी क्या वाह कहना क्या चाहते हो, मैं मिट्टी में खेलती हूँ न्याणी है दीदी, न्याणी है मैं। वो चल पीछे चल पीछे, इधर हम जंगलों के बीच में से गुजरते हुए, ये वाइल्ड लाइफ होती है ना जो वो दिखाते हैं आपको कैसी होती है। देखो अब हम पुल के नीचे से गुजर, और आप ये पुल देख लो, ऐसे तो डरावना सा पुल है ये वैसे क्या ही बनाया है ना, अगर ट्रक निकल जाए तो वो अड़ जाए ऊपर। आज मेरे को सपना है स्वाति, मैं वैन बस चला रही हूँ और मैं बैक कर रही हूँ और बस खम्भे के साथ अड़ जाती हूँ ऊपर तारों के साथ। क्या ही सपने देखती हूँ ना मैं, बस से चला रही हूँ सपनों में फूट पटांग चीजें आती है सपने ना ये देखो कि आराम से कुर्सी पे बैठे हो नहीं बस से चला रही थी बड़े आराम से और बैक कर रही थी ना, वैसे खंबा था वो तार के साथ अड़ गई, फिर मेरी मम्मी और आए उन्होंने बोला तू उतरा नीचे उतर के आ गए थे ना, आ गई थी बस इनने मुका इनने से आके इन्होंने डोर बेल बजाती इतने में नहीं मैंने कोई पता नहीं क्या वहाँ पता लगा, और मैं बैठा था सैलून में हाँ। तो मेरे को लगा मैं बस तो वो खंबा टूट गया लाइट चली नहीं स्वाति अगला थोड़ा सा सपना और बता देती हूँ हाँ। उसके बाद मैं जाके बैठती हूँ तो मम्मा होते हैं और एक मेरे चाचा जी होते हैं जो नहीं है, तो वो चाचा जी मेरे को बोल रहे हैं कि तेरे को मैं ना सॉन्ग में काम दिलवाता हूँ, तो मैं बोलती हूँ नहीं चाचा जी ऐसे मैंने नहीं करना, तो बोलते ना ना अपने हैं बड़े रिश्तेदार वो अपने हैं तो वो कर रहे हैं, तेरे को सॉन्ग में एक दिलवा देता हूँ बाद में तो अपने आप करती रही अपने आप करती रही। मैंने बोला चलो ठीक है चाचा जी दिलवा दो, तो मेरी मम्मी बोलती है नहीं करना है ऐसा काम, मेरी मम्मी बोलती कराऊं तेरे को सॉन्ग में काम नहीं करना बोलना। तो यहाँ डोलू शेफू शेफू के पापा सब बिजी है, सब अपनी अपनी जगह बिजी है, और उधर शैफू की मम्मा यानी डोलू की मम्मा सबको रिकॉल कर रही है ना डोली शैफू देखना डोलू देखना कैसे देखता है और शैफू उधर बार बार जाते हुए कि मेरी बारिश की जाए अपने पापा के सामने, जिद शैफू की फेल होते हुए शैफू नहीं करते पापा खारिश, रुकना एक बार ये क्या करेगा बोला देखना। ओह ऐसे हो गया कांड, मैंने कर दी घर की सफाई और सफाई में क्या गुम कर दिया, सफाई में हमने गुम कर दिया है सिम का कोड, ये सिम लेके आए थे नई वाली चलाने के लिए और मैंने कल घर साफ किया था, मैंने उसको भी साफ कर दिया मेरे को बोला था इतने साफ ये बोल क्यों नहीं रहे हो आप, बोलना था आपको क्या क्या भी सिम चली नहीं है कोड चाहिएगा, उसके ऊपर लिखा हुआ था कुछ हाँ। मुझे नहीं पता था स्वाति क्या रेंज नहीं आ रही अभी तो कोड से रेंज आ जानी थी, कोड से आनी थी, मैंने तो सारे ड्रॉअर साफ किए मुझे तो वो आपने उसको साफ कर दिया है मतलब बिल्कुल क्लीन चिट, क्या हो गया दीदी ने ना एक वो था सिम का वो पढ़ना था नहीं होता जिसमें कोड वोड मेंशन होता, अरे वो ऊपर वाला पेपर था उससे तो कल वैसे मेरे नेल से वो कॉइन उठाए नहीं जा रहे थे ऐसे करके तो उसी से उठा रही थी मैं सारे, ओ भाई तो इधर जनाब का मुंह बनते हुए ऐसे लाची जैसा मुंह कुट्टी लाची पागला अजकल तेरी लाची नू लब गया लौंग में मुंडिया मिल गया अब उस लाची को लौंग मूवी भी आ गई है क्या मैं ये देख रही हूँ कि जो नाइट सूट इन मैडम जी को पसंद आ जाता है फिर कंटिन्यूटी में वही पहना जाता है रिपीट पे, आज तो ये नाइट सूट कम से कम 15 दिनों बाद पहना याद भी नहीं आ रहा, 15 दिन तक 30 दिन दो नाइट सूट करा दी बेसिक रोज इतने ऐसे कपड़े धोती है लोगों के क्या फिर लेडीज को सोचना पड़ता है मैं रात को पहनूंगी क्या लग गया इसके सवेरे में उतार दूंगी अब मैंने पता क्यों सती तेरे को याद होना चाहिए इसके बीच में इसके साथ का एक पर्पल सा और था वो पहना था फिर मैंने पिंक वाला जो लॉन्ग स्लीव्स का लेके वो पहन लिया बीच में एक दिन व्हाइट भी पहन लिया अब तो नोटिस नहीं करी लॉन्ग में इलायची क्या लॉन्ग लॉन्ग स्लीव्स वाला पता क्या हो गया तोड़ दिया क्या बोला क्यों लड़ रहे हो खारिश ही तो करनी क्यों तू पंगे लेता
धक्का है इसका और चलता है इसलिए करता है हाँ, और जबरदस्ती चलता है धक्का सी ता कर दे कर दो खारिश खारिश तो करनी है इतना इजी तो काम है ना सच है इजी टास्क कर रही कर रही टाइम लगता है क्या याद करने सोचने का तो अच्छा गिफ्ट गिफ्ट बताओ अब क्या देने वाले हो आप इनको नहीं इन्होंने मेरे को ये पूछो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे को गिफ्ट क्या दिया था तो वो तो हम पूरा प्लान करेंगे ना पूरा प्रॉपर एक दिन बनाएंगे इसी पे इन्होंने मेरे को फर्स्ट टाइम गिफ्ट क्या दिया था वो याद करवाओ मैंने तुम्हें गिफ्ट नहीं दिया अरे वो वैसे पूछ रहे हैं कि फर्स्ट मैंने इनोवा गाड़ी गिफ्ट की थी वो फर्स्ट गिफ्ट था नहीं ना वो तो सेकंड सेकंड थर्ड टूर पे आ गया था बिल्कुल फर्स्ट गिफ्ट बताओ फर्स्ट वाला गिफ्ट एक ड्रेस दी थी बहुत प्यारी सी पिंक शेड में आ गया हाँ जो इन्होंने मेरे को फर्स्ट गिफ्ट किया था फर्स्ट और लास्ट ही था वैसे कपड़ों के मामले में क्योंकि ये बात में वैसे तो देते रहते हैं सरप्राइज कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं बट कपड़ों के मामले में वो फर्स्ट गिफ्ट था वो पिंक कलर की ड्रेस थी जो कि काफी टाइम रही मेरे पास है ना अब वो? पड़ी होगी तो मिल भी जाएगी तेरे को मैं दिखा भी दूंगी कहीं पड़ी रहेगी वो ऐसा नहीं है तो आज के ब्लॉग को करें ही एंड मैंने आपको फर्स्ट गिफ्ट क्या दिया था वो भी याद है आपको आपको तो याद होएगा ही कैसे मैंने बहुत फर्स्ट गिफ्ट मैं बताती हूँ मैंने इनकी लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी 30,000 रुपए की मेरी ओर से इनको मैंने इनकी LI करवा दी थी लाइफ इंश्योरेंस थैंक यू तो उसकी अभी आया कुछ वापिस के नहीं आया राम को प्यार हो गया तेरी LI आगे इंस्टॉलमेंट नहीं भरी बंदे ने तो मैं क्या करूं 30,000 भी खराब किए अभी तक इनसे मैंने 30,000 रुपए ले लिए देते नहीं है दे दो सर आपके 30,000 रुपए मैंने भरे हैं दे दो मैम दे दो कब दोगे सुबह ले लिए अच्छा ना आपने एक बार मेरे को ये भी बोला था कि तू रोज मेरे वॉलेट में से पैसे लिया कर 2,000-3,000 निकाल लिया कर ताकि वो होता रहता है ना कि अलग से तू जो भी तेरे को परचेज करना था गोल्ड वगैरह वो कर लिया कर तो मैंने एक बार ना मैं तेरे को बताती हूँ मैंने ना इनके रोज वॉलेट में से मतलब रखने शुरू कर दिए क्योंकि मेरे को होता था कि और फिर हम लोग क्या मैंने क्या लिया था उससे चेन और वो टोकस लिए थे ना वो चेन आज भी मेरे पास वो दूसरे वाली चेन ये वाली नहीं है वो दूसरी चेन है तो वो चेन मेरे लिए वो भी मेमोरेबल है क्योंकि मैंने वो ऐसे ऐसे करके और तब महीने के बाद ही मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं गोल्ड लेके आ रही हूँ मैं लेके आई थी पुष्पा दीदी के साथ लेके वो वाली पुष्पा दीदी हिसार वाली मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ है ना तो कुछ अच्छे से व्लॉग के साथ आज का तो बस ऐसी अनकट हमने डाल तब तक के लिए जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ के साथ लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया करो और फिर मिलते हैं कल तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट टेक केयर लव यू ऑल